सरकारी स्तर में षड्यंत्र कर सरकारी शिक्षा व्यवस्था कमी भुशुड़ी पड़ो एवं सबुठ अधिक आ द्वारा क्षतिग्रस्त होती छात्र छात्री मान यो डीएलईड पी आज प्रेसमिट डक से मैंने ही आगामी दिन शिक्षक से मैंने ही समाज को तैयारी करेंगे पिला करेंगे किंतु से मानक भाव में भविष्य को नष्ट करदेवाई चक्रांत करलरेडी से इंटर्नशिप कर सारी सेसन सर जून शेष सुधा कितु आज आसी जुलाई मस सर बाहर सरकार निद भांगुना आम एआईएसएफ तरफ लगातार भाव डिमांड करूँ आपण मैंने मतलब गणमाम जरिया आम बहुत खबर पाइचु जो अनलाइन पाठपढ़ जो प्रहसन चली सारा देश में राज्य में 70% रु ऊर्ध पिला ऑनलाइन में पाठ पढ़ी पारू ना सामिल हो पार ना सरकार गोटे प्रेसर तैयारी हो दे वर्ष दी वर्ष जानी कोरोना चलती सरकार निज कांधरू सब दायित्व खसई दे ये पिला कांधर आहरी भोज बोझ भाराक्रांत करने से जो षड्यंत्र कौन ना जो पिला ऑनलाइन में पढ़ी पार ना पाने जी गाँ गाँ में बुलवे जनका दस जन लेखा पिला पाठ पढ़े और सब हास्यास्पद कथ मत लगुच दास समाज ये चली जे पिलामाने तीन मास पाठ पढ़े इंटर्नशिप ना रे सेमाने तीन मास को पाइबे 700 टंका कैन यू इमेजिन केमिति सेमानकर शोषण कराउ तंको एक्सप्लॉइट कराउ छी ए कथा आजिरो नुहे लगातार भाव रे डीएलईडी पिलामानक प्रति प्रति वर्ष अन्याय करा जाउ छी 2 वर्ष रे कोर्स को सबले 3 वर्ष रे शेष करिया पय माने चिंता करू छथिं अपर पक्ष रे कोन आमे तंको कहया पय पचरिया पय चाहू छी राज्य में हजार हजार पिला अच्छा जो मैंने सीटी बीएड करी घरे बस बेकार होकर बस दादन खटापे सुरट जाऊँ निजुक्ति कहीं दौना जदि सबू कथ चली पार हाँ आउ गोटे सब बड़ कथा है आप देखिए जो अंडरटेकिंग गुड़िक पठा जा पाला चाप प्रयोग करे आपणकर अभिभावक मानु लेखिकी आणतु जे बापा माँ तक लिखे जो मो पा अमुक मुझे मो दायित्व पठाऊँ इंटर्नशिप जदि तार किसी कोरोना द्वारा हुए तार किसी क्षति हुए से सरकार बा तार शिक्षक दायी नुहंती कोरोना कौन ए पिला देखे चिन्ह जाइए कि आगे कोरोना हम ना जदि आपोना आलोर स्कूल कलेज ताला पकुच सब क्लास जाए खोली पार ना यूनिवर्सिटी खोली पार ना ए पिला गाँ गए बुलिकी केमती पिला पाठ पढ़े ए कथ आटलिस्ट क्लीयर करवा दरकार तेणु राज्य में जो शिक्षा व्यवस्था चली कथ चली पार ना ए पिला प्रति जो लगातार वर्ष वर्ष धरी आज अन्याय करहयार ना आप पूर्वर आपंक नोटिस दि जाइए आम प्रेस बृत्ति मध्यम जनईचु आपंक मेमोरांडम पिला बारंबार ता सत्व आप कर्णपात करूना से अनुरोध को जितेबाड़ आम अली करूँ आप शुणुना अबुझा पिला कौन करेंगे बाध्य जुलाई 21 भितर आप डेट डिक्लेयर न करती एक्जामिनेसन एवं तार रेजल्ट आउट्र ताल आम 23 तारिख दिन बाध्य राज्यर हजार हजार छात्र छात्री भुवनेश्वर अभिमुखे बाहर से जो स्थिति उत्पन्न हे से शिक्षा विभाग और राज्य सरकार नवीन पटनायक स्वयं दायी रही तेनाली यूजीसी तो कही से क्या चंदन प्रेसीडेंट जी अच्छा क्लीयर कले यूजीसी गाइडलाइन तो जारी कला और निर्देश दे अगस्ट शेष सुधा एग्जाम हे तो सरकार यहाँ केमी यूजीसी विरुद्ध में कार्य करें तो बुझीपुर तेणु जदि तेरे विकल्प ना कारण सरकार निजर सब अपारगता लुचापी साधारण लोकों मुंड बोझगुड़ी लदि दिखती तेणु निजे जो शिक्षा व्यवस्था को सुधारिया परिवर्तन को बिगाड़ी चलते जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आसी तारी आधार ही ऑनलाइन एजुकेशन आसू ऑनलाइन एजुकेशन जब आसो ये जो पिला आज सीटी पढ़ुंट डीएलईडी पढ़ुंट से भविष्य कौन हम कंप्यूटर जब पाठ पढ़े शिक्षक मानक आवश्यकता कौन सरकार कौन यह चाहूँ सरकारी स्कूल गुड़ाक ताला पड़ जाऊ शिक्षानुष्ठान गुड़ाक बंद हो जाऊ से ध्वंस होकर समाधि हो जाऊ आउ केवल कंप्यूटर मैंने पाठ पढ़े आ पाने जो मैंने सीटी बीएड कर दादन खटिया गाई चरिया भविष्य अंधार हो ये क्या आटलिस्ट क्लीयर करमर ओडार समस्त डीएलईड द्वितीय वर्ष छात्र छात्री गोटे अन्याय अत्याचार होते जे, आमर जून 30 रे नोटिस अनुसार जून 30 रे सेसन सरुच कोर्स सरी विधिवत भाव सब शैक्षिक कार्यक्रम होीक्षा हवा कथा किंतु सरकार से तांकर स्वार्थ केंद्रिक चिंताधारा हो कि आउ जहाँ भी होती आम परीक्षा घुंचे गोटे इंटर्नशिप एक्सटेंडेड इंटर्नशिप आड़े कि आमको कोरोना मरण जंता भितर ठेलुंट ता सहित आम जीवन रोटे बहुमूल्य गोटे वर्षर समय को नष्ट कर तेणु आज सब दुखर कथा जे पृथ्वी इतिहास रे छात्र माने आंदोलन करती अन्याय को विरोध करती आज भी करूँ किंतु आज आंदोलन अभिनव जे प्रथम करी
ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖିଛୁ ଆମ ପରୀକ୍ଷା କର। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସରକାରଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାଟା କେତେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା, UGC କାଲି ନୋଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ପେପରରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ସରୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରେଜଲ୍ଟ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ, ଅକ୍ଟୋବରରେ ନୂଆ ସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ଅକ୍ଟୋବରରେ ନୂଆ ସେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, DLED ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ହୋଇନଥିବ ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ହେବ, ଏଇଟା କନଫର୍ମ। ତେଣୁ ଆମର ଆଜି ଦାବି ଯେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ଫଳର ପ୍ରକାଶ ତାରିଖ ଆଗରୁ ବି ଦେଇଛୁ, ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ଆଜି ବି କହୁଛୁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶର ତାରିଖ 21 ସୁଦ୍ଧା ଡିକ୍ଲିୟର କର, ନହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଡିକ୍ଲିୟର କରୁଛୁ। ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା DLED ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାହେଉଛି ଯେ 23 ଦିନ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରୁ ହେବ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ DLED ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ହକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ମାଗିକି ନେବେ। ଆଗ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଦାବିପତ୍ର, ତାପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିମ୍ବା କୌଣସି ନା, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଆମ ଘଟଣା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନତା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ନାହିଁ, ନିଜର ମନମୁଖୀ ଶାସନ ବଳ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ଦେଲୁନି ଦାବିପତ୍ର, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠାରୁ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ଟର୍ଚର କରାହେଉଛି, ହାରାସମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ନ ହେଉଛ ତାହେଲେ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାର୍କ କାଟି ଦିଆଯିବ,